हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग 11 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरो लीग वुमेन में जहाज का पहला मुकाबला होने वाला है। EKTV वुमेन्स वर्सेज MBA वुमेन के बीच जहाज का पहला बास्केटबॉल मैच होने वाला है। उस मैच के बारे में आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किसको ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए समोली के लिए, कौन सा प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे, इस मैच के कॉन्टेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे। तो इस मैच के कॉन्टेस्ट के बारे में बात करें तो इस मैच में आप 6 रुपये से एंट्री कर सकते हैं और 1 लाख रुपये से विन कर सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 टीम लगा सकते हैं और हम आपको जो टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपके अच्छी खासी रैंक आने वाली है। इसलिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएँ, क्योंकि हम आपको फाइनल टीम सिर्फ टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम आपको यूट्यूब पर कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। और अभी तक ना आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर आके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन से रिलेटेड हर रोज़ वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बात करते हैं दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में। तो MBA में से भी हम 4 प्लेयर और EK टीम में से भी 4 प्लेयर लेकर चले वाले हैं। MBA के बारे में बात करें तो इस प्लेयर टीम ने अभी तक 3 मैचेस पर लेकर रखे, 1 मैच में विन और 2 मैचेस में लॉस का सामना कर रखा, इसलिए हम इनमें से 4 प्लेयर लेकर चलने वाले। वैसे EKT के बारे में बात करें तो इन्होंने इस मैच में कोई भी लीग में कोई भी मैच प्ले नहीं किया, यह इनका पहला मुकाबला होने वाला है, इसलिए हम इनमें से 4 प्लेयर लेकर चलने वाले हैं। दोनों टीमों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो अब फिर बात करते हैं दोनों टीमों के प्लेयर के बारे में, किन किन प्लेयर को हम अपनी टीम में लेकर चलने वाले हैं। 1 पॉइंट गार्ड, 2 शूटिंग गार्ड, 1 स्मॉल फोर्ड, 2 पावर फोर्ड और 2 यहाँ पर सेंटर लेकर चलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें MBA की तरफ से पॉइंट गार्ड के बारे में, तो मेगा को अपनी टीम में एज ए पॉइंट गार्ड लेकर चलने वाले हैं। 3 मैचेज में आप देख सकते हैं 2 मैचेज इन्होंने प्ले कर रखे, 2 मैचेज में इन्होंने 67 के लगभग पॉइंट कवर कर रखे, 89 के लगभग इनका सेलेक्टेड फ्रेंड है। तो आप अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन दोनों इनको अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। अगर आप समोल लीग टीम बनाए तो भी इनको लेकर चलिए, अगर ग्रैंड लीग टीम बनाए तो दोनों टीम में इनको जरूर लेकर चलिएगा, आपके लिए गोल्ड साबित होने वाले। पिछले 2 मैच के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 1 मैच में इन्होंने 26 के लगभग और 1 मैच में 41 यानी 41 के लगभग पॉइंट कवर करके BLM के लगभग इन्होंने खिलाफ इन्होंने मैच प्ले नहीं किया था, इसलिए आप अपनी टीम इनको जरूर लेकर चल सकते हैं एज ए पॉइंट गार्ड के रूप में। बात करें टोरेंस के बारे में तो EKT के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है दोस्तों, 67 के लगभग इनका सेलेक्टिव परसेंट है। इस लीग में अभी तक कोई भी मैच प्ले नहीं किया, इनका यह पहला मैच होने वाला है। इनके पिछले कुछ मैचेस के बारे में बात करें तो यह हर मैच में लगभग 25 से 45 के बीच पॉइंट कवर करते हैं। तो आप भी अपनी टीम को एज इनको शूटिंग गार्ड जरूर लेकर चल सकते हैं, आपके लिए अच्छा खासा समोल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए ऑप्शन होने वाले, तो आप अपनी टीम में जरूर लेकर चल सकते हैं। करमोवा के बारे में बात करते हैं, इन्होंने पिछले 3 मैचेस में 37 पॉइंट कवर कर रखे। 3 मैचेस के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इन्होंने भी 1 मैच प्ले नहीं किया था, 2 मैचेस में सबसे पहले मैच में इनका कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं रहा था। पिछले मैच में जो UR के खिलाफ हुआ था उसमें इन्होंने 31 के लगभग पॉइंट कवर करके, तो आप अपनी टीम में इनको एज ए शूटिंग गार्ड जरूर लेकर चल सकते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। क्यूले के बारे में बात करें तो इनको भी आप अपनी टीम में एज ए वॉइस कैप्टन जरूर लेकर चलिए दोस्तों, हम अपनी टीम में इनको वॉइस कैप्टन लेकर चलने वाले हैं। अगर 1 से ज़्यादा टीम बनाए तो अपनी टीम में इनको कैप्टन भी लेकर चल सकते हैं। इन्होंने इस लीग में कोई भी मैच प्ले नहीं किया, इसलिए इस लीग का हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो हर मैच में 30 से ऊपर पॉइंट कवर कर देते हैं, आप अपनी टीम में इनको एज ए पावर फोर्ड के रूप में स्मॉल फोर्ड के रूप में जरूर मौका दे सकते हैं। पावर फोर्ड के बारे में बात करें तो मिस मैन आपके पास एक अच्छा खासा पावर फोर्ड के रूप में जो कि EKT के खिलाड़ी है दोस्तों, इनको आप देख सकते हैं 87 के लगभग इनका सेलेक्टेड परसेंट है, 40 के लगभग पॉइंट कवर कर लेते हैं, 30 से 40 के बीच ही हर मैच में पॉइंट कवर करती है, तो आप अपनी टीम को वो इस कैप्टन में लेकर चल सकते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। बात करते हैं Kujukina के बारे में, तो Kujukina आप अपनी टीम में EKT के खिलाड़ी है, 53 के लगभग इनका सेलेक्टेड परसेंट है। अगर करियर के बारे में बात करें तो हर मैच में 20 से 35 के बीच पॉइंट कवर करती है, तो आप अपनी टीम में इनको एज ए पावर फोर्ड मौका दे सकते हैं। सेंटर के बारे में बात करें तो लोगों ने आपके पास एक अच्छा खासा सेंटर होने वाले हैं, पिछले 2-3 मैचेज में से तीनों में से दो मैच इन्होंने प्ले कर रखे हैं, 1 मैच में 15 के लगभग, सबसे पहले मैच में इन्होंने 30 के लगभग पॉइंट कवर कर दिए है, तो आप अपनी टीम को एज ए वॉइस कैप्टन या वॉइस कैप्टन के रूप में मौका दे सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग या समोल लीग दोनों टीम बनाते हैं तो दोनों टीम में इनको जरूर लेकर चल सकते हैं एज ए सेंटर के रूप में एज ए कैप्टन वॉइस कैप्टन। ग्लोंटी के बारे में बात करें, अभी MBA के खिलाड़ी दोस्तों, सेंटर के रूप में आपके पास एक अच्छा खासा 62 के लेवल का सेलेक्टेड फ्रेंड है, पिछले 2 मैचेस के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इन्होंने पिछले 2 मैचेस में 38 के लगभग पॉइंट कवर करते हैं कर रखे, पहले मैच में इन्होंने 17 के लगभग, दूसरे मैच में 21 के लगभग, तो इनको भी आप अपनी टीम में एज ए सेंटर के रूप में जरूर मौका दे सकते हैं, आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है।
कैप्टन मेगा को आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिएगा, और कजिकिना को आप अपनी टीम में वॉइस कैप्टन लेकर चल सकते हैं। आपके लिए अच्छा खासा कैप्टन और वॉइस कैप्टन यानी कि SP और PP के रूप में ऑप्शन होने वाले, तो आप अपनी टीम में को जरूर लेकर चलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक लिंक इन डिस्क्रिप्शन से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको फाइनल टीम सिर्फ टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा सकते हैं।